श्री नवग्रह पंचकोशी पद यात्रा खरगोन के नवग्रह मंदिर से शुरू हुई। वहीं 5 दिन तक चलने वाली इस पद यात्रा का समापन 2 जनवरी अमावस्या को होगा। श्री नवग्रह मंदिर में भजन कीर्तन कर महाआरती के साथ यात्रा प्रारंभ की गई। हम आपको बता दें कि यात्रा वर्ष 2008 से प्रारंभ हुई थी, जो निरंतर जारी है। यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र में खुशहाली, सुख समृद्धि व क्षेत्रवासियों की निरोगी रहने के लिए की जाती है। हालांकि पिछले वर्ष यात्रा कोरोना काल में सांकेतिक रूप से निर्विघ्न संपन्न हुई थी, वहीं इस वर्ष भी परिस्थितियों को देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें ओम नमः शिवाय और नर्मदे हर के जयघोष के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर यात्रा में सहभागिता निभाई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नवग्रह पंचकोशी पद यात्रा का प्रारंभ 2008 से हुआ है और इस वर्ष जो है वो 13वां वर्ष है। और ये यात्रा किसी भी प्रकार की महामारी बीमारी से मुक्ति के लिए यात्राएं की जाती है। देश में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, निमाड़ क्षेत्र की जनता खुशी का वातावरण में रहे, ऐसी कामना नवग्रह माँ नर्मदा जी से की जाती है। पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में सांकेतिक यात्रा निकाली गई थी, उसके पश्चात किसी भी प्रकार से निमाड़ क्षेत्र में कोई जनहानि नहीं हुई। इस वर्ष भी माँ नर्मदा से, नवग्रह भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि तीसरी महामारी जो है वो हमारे देश से मुक्त रहे, कोरोना मुक्त रहे और सभी सुखी संपन्न रहे। क्या नाम आप? राजेंद्र कुमार शर्मा, केंद्रीय समिति मैं उपाध्यक्ष पद पर हूँ। ये श्री नवग्रह पंचकोशी पदयात्रा है और लगातार यह 14वां वर्ष है। इस यात्रा की विशेषता रहती है कि माँ नर्मदा की कृपा और आशीर्वाद से और नवग्रह की कृपा और शांति के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र भारती जी की प्रेरणा से ही यह यात्रा का प्रारंभ किया गया है और लगातार 14वां वर्ष है। पूरे मध्य प्रदेश में जो भी पंचकोशी यात्राएँ होती है उसमें यह 8वें नंबर की यात्रा है और इस यात्रा से सभी के जो भी मनोकामना होती है, नवग्रह के कारण जो पीड़ा होती है उसकी शांति के लिए इस यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा की विशेषता यह भी है कि नवग्रह की यात्रा है, 9 संतों का समागम है, 9 जगह का यहाँ पर महत्व बताया गया है और 5 को इसकी यात्रा 5 दिन में पूर्ण की जाती है, इसलिए इसको पंचकोशी पदयात्रा कहा जाता है। क्या उद्देश्य क्या रहता है इसका? इस यात्रा का उद्देश्य है माँ नर्मदा की कृपा और आशीर्वाद सब पर बना रहे और इस समय जिस प्रकार से हमारा पूरा देश एक महामारी से, पूरा विश्व महामारी की चपेट में है कोविड के, उससे बचने के लिए और सबके स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना से इस यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा में कितने श्रद्धालु पहुँचते हैं? श्री नवग्रह पंचकोशी पदयात्रा में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन होता है और जिले भर से नहीं, पूरे प्रदेश से, धार, जबलपुर तक से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, इनके रहने खाने की व्यवस्था? या हमारी जो श्री नवग्रह पंचकोशी पदयात्रा की समिति है
वह इसका पूरा संचालन करती है। सभी के लिए पेयजल, सुबह के समय चाय, नाश्ता, पोहे और महाप्रसादी का वितरण होता है। अभी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में झंडा पूजन होगा। झंडे पूजन के साथ में हमारे ध्वजवाहक जो नैन सिंह जी महाराज जी बाबा जी हैं, वह ध्वज लेकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे और इस यात्रा का समापन 5 दिन के बाद दिनांक 2 जनवरी को प्रातः 9 बजे यहीं पर श्री नवग्रह मंदिर में पूर्ण होगा। क्या शुभ नाम आपको? आचार्य लोकेश जागीरदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।